करते हैं मारुति सुजुकी की, जहां पर सेल्स नंबर्स आए हैं, नंबर्स पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। शशांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सो फार जो भी नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे हैं, अगर हम बाकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ही बात करें तो आपसे सेंस लेना चाहेंगे, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी रही है दिसंबर मंथ में, मारुति के लिए रिटेल आंकड़े कैसे रहे हैं? जी देखिए, दिसंबर का महीना होलसेल के लिहाज से हालांकि बेस्ट एवर दिसंबर रहा है। 287,900 गाड़ियां इंडस्ट्री में फरोख्त हुई हैं और उसका मुवाजना अगर आप गुज़िश्ता माली साल 2022 से करें तो 275,000 गाड़ियां दिसंबर में बिकी थी पिछले साल, मतलब 4.4% का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप रिटेल देखें तो बहुत ही अच्छा रिटेल हुआ है। रिटेल में ये इम्कान है कि इंडस्ट्री में 4,43,000 गाड़ियों का रिटेल हुआ है, जो हमारी इंडस्ट्री की तारीख में सबसे ज्यादा रिटेल है, किसी भी महीने का सबसे ज्यादा रिटेल है। और इसी वजह से जो स्टॉक लेवल्स हैं इंडस्ट्री में वो अब काफी कम हो गए हैं। 1 दिसंबर को ये स्टॉक लेवल अंदाजन 3,31,000 था, जो अब घट के 1,75,000 या 1,76,000 हो गया है। तो उस लिहाज से महीना अच्छा था। मारुति के जो रिटेल थे 2,30,000 से थोड़े ज्यादा रिटेल हुए और ऐसा अंदाजा है कि उसमें हमारी जो बाजार की हिस्सेदारी है रिटेल की वो 50% के ऊपर हुई है। तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा महीना था इंडस्ट्री के लिए भी और मारुति सुजुकी के लिए भी। वहीं शशांक जी, एक्सपोर्ट्स में हमने थोड़ा ट्रैक्शन पिछले कुछ महीने में आते हुए देखा था, लेकिन जैसे आपने कहा कि 2024 में सिंगल डिजिट ग्रोथ आप ओवरऑल सेल्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी, फिर एक्सपोर्ट्स को लेकर आउटलुक क्या है? एक्सपोर्ट्स का तो बेहतर होने चाहिए, हमारा ये अंदाजा है कि इस माली साल में मतलब अप्रैल से मार्च के साल में भी हम पिछले साल से ज्यादा पिछले साल का आंकड़ा पार करेंगे और उसके बाद भी एक्सपोर्ट के नंबर हमारे बेहतर होंगे। लेकिन जहां तक ओवरऑल इंडस्ट्री का मैंने बताया वो हम एक सिंगल डिजिट का ही ग्रोथ हम देख रहे हैं। वही शशांक जी, अगर हम 2024 प्लान्स की बात करें मारुति सुजुकी के लिए, तो क्या रोड मैप रहेगा? कई माइलस्टोन्स आपने 2023 में अचीव किए, लेकिन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लॉन्चेस के पर्सपेक्टिव से क्या प्लानिंग है 2024 की? जी देखिए, मारुति सुजुकी इंडस्ट्री के लिए हमेशा बुलिश रही है और यही वजह है कि हमारा पोर्टफोलियो सबसे वसी है, सबसे फैला हुआ है। और हमने अगर आप गुज़िश्ता 10-12 महीने देखें तो हमने कई सारी नई गाड़ियां लॉन्च करी हैं, नई ब्रेजा है, विटारा है, फ्रॉन्क्स है, चिमनी है, इनविक्टो है, और आगे आने वाले वक्त में भी हम काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे नए प्रोडक्ट्स के लिहाज से। और हमने ये भी ऐलान किया है कि अगले माली साल में हम अपनी पहली ईवी गाड़ी भी लेके आएंगे, तो हम उसकी तैयारी जारी रखें और बाकी हमारे जो मॉडल्स हैं उसका भी कुछ मॉडल्स में हम अपग्रेड करेंगे। तो हम बड़े एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को रिप्लेनिश करेंगे और ये हिकमत अमली हमारी पहले भी रही है और अगले साल भी इसी का हमारे इसी दिशा में हम जो है चल रहे हैं। ओके, तो ये बात हुई आगे के प्लान्स की। शशांक जी, क्विकली एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, दिसंबर की जो सेल्स रही है और जनवरी की जो बुकिंग्स आ रही हैं, क्या इंडिकेशन मिल रही है डिमांड वापस 2024 के लिए किस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग रहेगी? क्या वापस SUVs ही फ्लेवर आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी भी देखिए SUV की डिमांड अच्छी दिख रही है। SUV अगर आप 2023 में देखें तो करीब 48.7% उसकी करीब सेगमेंट की टोटल उसकी कंट्रीब्यूशन हो गया है। और ग्रोथ के लिहाज से भी अगर आप देखें 2023 और 2022 का अगर आप मुवाजना करें तो ज्यादातर ग्रोथ हमने SUV सेगमेंट में देखी है, 26% की ग्रोथ थी। उसके बाद MPV में लगभग 7-7.5% की ग्रोथ और वैन्स में लगभग 9.5-10% के दरमियान ग्रोथ थी। हैच और सेडान में हमने जो रुझान है वो
और एक तनाजुड़ी के रुझान हमें देखने को मिले हैं। और आगे 2024 में भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये रुझान आगे भी ऐसा चलेंगे, लेकिन हाँ शायद छोटी गाड़ियों का जो 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 कंट्रीब्यूशन है पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में वो करीब 30% रहेगा। अभी भी 30% है और अगले साल भी ऐसा हमारे उम्मीद है, इम्कान है कि वो 30% ही रहेगा। शुक्रिया आपका सर आने के लिए शो में और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए, क्विकली नंबर्स पर बातचीत करने के साथ साथ गुड लक आपको 2024 प्लान्स के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।